बल्कि दो बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने बहुत कम अंतराल में अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। दीपक चहर दो विकेट से एक साथ उन्होंने समेटे और उसके बाद तीसरा विकेट दीपक चहर ने लिया और उसके तुरंत बाद मुशफिकुर रहीम बाहर चले गए। गिल्लियों पर चा लगी तो चलिए सातवां विकेट निकल गया बांग्लादेश का। भारत की संभावनाएं मजबूत हो गई। युजवेंद्र चहल को पहला विकेट मिला। महमदुल्ला टीम के कप्तान इस समय बाहर जाते हुए और अब बांग्लादेश के लिए मुश्किलों का समय है। क्या बांग्लादेश अब वापसी कर पाएंगे 130 सात विकेट पर। तक्कों का इस्तेमाल किया था, पूरी तरह से गेंद की टर्न को मिस कर गए थे और युजवेंद्र चहल को उन्होंने झूमने का एक मौका दे दिया।